für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उत्थान वर्साय की संधि के तहत जर्मनी के साथ किए गए मनमाना व्यवहार की वजह से हुआ था। हिटलर जर्मनी में राष्ट्रवाद का अलख जगाकर महानायक की तरह उभरा। भरी सभा में खड़ा होकर वह कहा करता था कि वर्साय की संधि के खिलाफ मैं लोगों के दिलो दिमाग में इतना जहर भरूंगा कि वह एक बार फिर हथियार उठा लेंगे। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी एक बार फिर हथियार उठाने को तैयार हो गया। प्रथम आलमी जंग में महज एक मामूली सैनिक के तौर पर मोर्चा पर जाने और घायल होकर अपनी आंखें गंवाने और वर्साय की संधि को जर्मनी पर थोपे जाने के खिलाफ उसने लोगों को लामबंद किया और देखते देखते सत्ता पर काबिज हो गया। और इसके साथ ही जर्मनी में राष्ट्रवाद का एक नया युग शुरू हुआ और पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध की ओर डग बढ़ाने लगी। तबाही और बर्बादी एक पूरा दौर चला। चूंकि यूरोप के देश इस युद्ध के केंद्र में थे इसलिए सबसे अधिक बर्बादी यूरोप में ही हुई। RSS प्रमुख मोहन भागवत जब अपने संबोधन में राष्ट्रवाद से परहेज करने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वह हिटलर के उस राष्ट्रवाद को खारिज करते हैं जो नस्लीय श्रेष्ठता और खून से सना हुआ है। एक पत्रकार के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने इटली की सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरे दमखम के साथ फौजकशी शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उसे हिटलर के रूप में एक अनुकूल साथी भी मिल गया। मुसोलिनी अपने सार्वजनिक भाषणों में अक्सर पुराने रोम की गौरव गाथा याद करता था और उसकी पुनरावृत्ति चाहता था। नस्लीय श्रेष्ठता को आधार बनाकर दोनों राज्य गठन के हक में थे हथियार के बल पर दुनिया पर हुकूमत करने की उसकी महत्वाकांक्षा की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। RSS प्रमुख इसी फासीवादी राष्ट्रवाद से गुरेज करने पर जोर देते हैं। राष्ट्रवाद की जगह पर नेशन, नेशनल या फिर नेशनलिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। उसी दिन से RSS प्रमुख ने नेशनलिज्म से गुरेज करने का फैसला कर लिया। अब तो लोगों को भी समझा रहे हैं कि नेशनलिज्म शब्द यानी राष्ट्रवाद से परहेज करें। दुनिया में कई देश बड़े बने और पतित हो गए। आज भी बड़े देश हैं जिनको आज का शब्द है महाशक्ति। लेकिन हम अगर देखते हैं तो ये देश महाशक्ति बनकर करते क्या है? तो सारी दुनिया पर प्रभुत्व संपादन करते हैं, सारी दुनिया के साधनों का स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, सारी दुनिया पर राजनीतिक सत्ता अपनी जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसा प्रयास करते हैं, सारी दुनिया पर अपना ही रंग चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब चलता है, चल रहा है और इसलिए दुनिया में एक बहुत बड़े भूभाग में विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्र बड़ा होना दुनिया के लिए खतरनाक बात है। नेशनलिज्म इस शब्द को आज दुनिया में अच्छा अर्थ नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व संघ योजना से यूके जाना हुआ तो वहां के बुद्धिजीवियों से बात होनी थी। 40-50 शैलित लोगों से संघ के बारे में चर्चा हुई तो वहां के अपने कार्यकर्ता ने कहा कि शब्दों के अर्थों के बारे में सावधान रहिए, अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है और आप अपना पुस्तक में जो अंग्रेजी पढ़ी है उसके अनुसार बोलेंगे। परंतु यहां बातचीत में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसलिए आप नेशनलिज्म इस शब्द का उपयोग बताइए। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। अब ऐसे ये शब्द वहां बदनाम हुआ है।
वसुधैव कुटुम्बकम के फलसफे को आत्मसात करने वाले संगठन आरएसएस का राष्ट्रवाद को लेकर नाजीवाद और फासीवाद से दूरी स्वाभाविक है। आरएसएस प्रमुख ने काफी मुखर होकर साफ कर दिया है कि आरएसएस का राष्ट्रवाद से दूरी बनाना क्यों जरूरी है। आलोक नंदन शर्मा, सत्य समाचार।